दिल तख्त नशीब, निराकार बाप को अपना अकाल तख्त भी नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त हैं। तो बाप दादा तख्त नशीन बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं, वाह मेरे तख्त नशीन बच्चे। बच्चे बाप को देख खुश होते हैं, आप सभी बाप दादा को देख खुश होते हो, लेकिन बाप दादा कितने बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे लास्ट नंबर भी है, लेकिन फिर भी लास्ट होते भी विशेष कोटों में कोई कोई में कोई की लिस्ट में है। इसलिए एक-एक बच्चे को देख बाप को ज्यादा खुशी है व आपको है, दोनों को। बाप को कितने बच्चे हैं, जितने बच्चे उतनी खुशी, और आपको सिर्फ डबल खुशी है। बस आपको परिवार की भी खुशी है, लेकिन बाप की खुशी सदा काल की है, और आपकी खुशी सदा काल है या कभी नीचे ऊपर होती है। बाप दादा समझते हैं कि ब्राह्मण जीवन का स्वास खुशी है, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, और अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं। खुशी तो खुशी है, आज 50% खुशी है, कल 100% है, तो जीवन का स्वास नीचे ऊपर है ना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, तो यह पाठ सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? सदा अंडरलाइन है, कभी कभी वाले क्या होंगे? सदा खुशी में रहने वाले पास विद ऑनर, और कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्मराजपुरी पास करनी पड़ेगी। पास विद ऑनर वाले को 1 सेकंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो आप सब कौन हो, साथ चलने वाले या रुकने वाले? साथ चलने वाले, ऐसा चार्ट है, क्योंकि विशेष डायमंड जुबली के वर्ष में बाप दादा की हर एक बच्चे के प्रति क्या शुभ आशा है वह तो जानते हो ना। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा, उसमें क्या देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए। जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो, और डायमंड जुबली में विशेष सेवा का उमंग उत्साह है, इसमें पास हो। हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन अब विशेष क्या चाहिए? समय समीप है, तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? वैराग्य की। कौन सा वैराग्य, हद का या बेहद का? जितना सेवा का उमंग उत्साह है, उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्वस्थिति में बेहद का वैराग्य कहाँ तक है? क्योंकि आपके सेवा की सफलता है जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए, इसलिए सेवा करते हो ना। तो जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती, और जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी, तो जो चाहते हो कि बाप का परिचय सबको मिले वह नहीं मिल सकता। बेहद का वैराग्य सदा काल का वैराग्य है। अगर समय प्रमाण व सरकमस्टांस प्रमाण वैराग्य आता है, तो समय नंबर 1 हो गया और आप नंबर 2 हो गए। परिस्थिति या समय ने वैराग्य दिलाया, परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया तो वैराग्य पास हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, बेहद का वैराग्य या हद का? तो अभी बेहद का वैराग्य चाहिए। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है, तो उसका मुख्य कारण है देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है, तब तक कोई भी बात का वैराग्य
सदा काल नहीं होता है, अल्पकाल का होता है। संबंध से वैराग्य, यह बड़ी बात नहीं है, वह तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग्य आ जाता है, लेकिन जहां देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना, कितने देह भान के रूप हैं, उसका विस्तार तो जानते हो, लेकिन इस अनेक देह भान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना, देह भान देही अभिमान में बदल जाए, जैसे देह भान का एक नेचुरल हो गया, ऐसे देही अभिमान नेचुरल हो जाए, क्योंकि हर बात में पहला शब्द देह ही आता है, चाहे संबंध है तो भी देह का ही संबंध है, पदार्थ है तो देह के पदार्थ है, तो मूल आधार देह भान है। जब तक किसी भी रूप में देह भान है तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। और बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय जो देह भान का विघ्न है, उसका कारण है कि देह के जो पुराने संस्कार हैं, उससे वैराग्य नहीं है। पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए, संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं, संस्कार के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं, तो रिजल्ट में देखा कि देह के पुराने संस्कार से जब तक वैराग्य नहीं आया है, तब तक बेहद का वैराग्य सदा नहीं रहता। संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं, तो जहां किसी भी तरफ आकर्षण है, वहां वैराग्य नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा, चेक करो कि मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूं, कितनी भी कोशिश करेंगे, करते भी हैं कि वैराग्य वृत्ति में रहें, लेकिन संस्कार कोई कोई के पास या मेजॉरिटी के पास किस न किस रूप में ऐसे प्रबल हैं जो अपनी तरफ खींचते हैं। तो पहले पुराने संस्कार से वैराग्य, संस्कार ना चाहते भी इमर्ज हो जाते हैं, क्यों, चाहते नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया है, कहां ना कहां अंश मात्र रहे हुए हैं, छिपे हुए हैं, वह समय पर ना चाहते हुए भी इमर्ज हो जाते हैं। फिर कहते हैं, चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या करें, हो गया, हो जाता है। यह कौन बोलता है, देहभान या देही अभिमान? तो बाप दादा ने देखा कि संस्कारों से वैराग्य वृत्ति में कमजोरी है, खत्म किया है लेकिन अंश भी नहीं हो, ऐसा खत्म नहीं किया है, और जहां अंश है तो वंश तो होगा ही। आज अंश है, समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। कहने में तो सभी क्या कहते हैं कि जैसे बाप नॉलेजफुल है, वैसे हम भी नॉलेजफुल हैं, लेकिन जब संस्कार का वार होता है तो नॉलेजफुल है या नॉलेजफुल है? बाबा ने नॉलेजफुल या नॉलेज फुल कहा है, तो क्या है, नॉलेज फुल के बजाय नॉलेज फुल बन जाते हो। उस समय किसी से भी पूछो तो कहेंगे, हाँ समझती तो मैं भी हूँ, समझता तो मैं भी हूँ, होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो नॉलेज फुल हुए या नॉलेज फुल हुए? नॉलेज पुल अर्थात नॉलेज को खींचने वाले पुल, PULL पुल के बारे में बाबा ने कहा। जो नॉलेज पुल है, उसे कोई भी संस्कार, संबंध, पदार्थ वार नहीं कर सकता। तो डायमंड जुबली मना रहे हो, डायमंड जुबली का अर्थ है डायमंड बनना, अर्थात बेहद के वैरागी बनना। जितना सेवा का उमंग है, उतना वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है, इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है,
हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। तो समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है, कौन है? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया, आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है? तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो? समय पर ठीक कर लूंगी, हो जाएगा। बाप को भी दिलासा देते हैं, फिकर नहीं करो, हो जाएगा, समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना यह आप मास्टर रचयिता के लिए शोभता है, अच्छा लगता है? नहीं, समय रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। तो रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, यह मास्टर रचयिता की शोभा नहीं। तो अभी जो बाप दादा ने समय दिया है उसमें वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि सेवा की खींचतान में वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है। वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन बेहद का वैराग्य खत्म भी सेवा में ही होता है। इसलिए अब अपने अंदर इस वैराग्य वृत्ति को जगाओ। कल्प पहले भी बने तो आप ही थे कि और थे? आप ही है ना, सिर्फ मर्ज है, उसको इमर्ज करो। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है ना, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हैं, और साधन तो आपको दिन प्रतिदिन ज्यादा ही मिलने हैं, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो, इमर्ज हो। साधन और साधना का बैलेंस, क्योंकि आगे चल करके प्रकृति आपकी दासी होगी, सत्कार मिलेगा, स्वमान मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते वैराग्य वृत्ति कम न हो। तो बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में अनुभव करते हो कि सेवा में बिजी हो गए हो, जैसे दुनिया वालों को सेवा का प्रभाव दिखाई देता है ना, ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का प्रभाव दिखाई दे। आदि में आप सभी की स्थिति क्या थी? पाकिस्तान में जब थे, सेवा नहीं थी, साधन थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल ने सेवा को बढ़ाया। तो जो भी डायमंड जुबली वाले हैं, उन्होंने आदि संस्कार हैं, अब मर्ज हो गए हैं। अब फिर से इस वृत्ति को इमर्ज करो। आदि रत्नों के बेहद के वैराग्य वृत्ति ने स्थापना की, अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही वृत्ति, वही वायुमंडल इमर्ज करो। तो सुना क्या जरूरत है? साधन ही नहीं है और कहो हमको तो वैराग्य है, तो कौन मानेगा? साधन हो और वैराग्य हो, पहले के साधन और अभी के साधन में कितना अंतर है? साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए हैं। अच्छा है, साधन बड़े दिल से यूज करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही है, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते हुए कमल पुष्प समान बनो। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है, लेकिन वृत्ति की बात है। ऐसे तो नहीं कि साधन के प्रवृत्ति में साधनों के वश फंस तो नहीं जाते? कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे, यूज करते हुए उन्होंने के प्रभाव में नहीं आए न्यारे। साधन बेहद की वैराग्य वृत्ति को मर्ज नहीं करे। अभी विश्व अति में जा रही है, तो अभी आवश्यकता है सच्चे वैराग्य वृत्ति की, और वह वायुमंडल बनाने वाले आप हो,
पहले स्वयं में फिर विश्व में। तो डायमंड जुबली वाले क्या करेंगे, लहर फैलाएंगे ना। आप लोग तो अनुभवी हैं, शुरू का अनुभव है ना, सब कुछ था। देशी देशी घी खाओ जितना खा सकते, फिर भी बेहद की वैराग्य वृत्ति। दुनिया वाले तो देशी घी खाते हैं, लेकिन आप तो पीते थे। आज के साकार मुरली में भी बाबा ने कहा है ना, सतयुग में घी की नदियां होंगी, और यहाँ तो घासलेट भी नहीं है, ऐसा बाबा ने कहा। तो दुनिया वाले तो देसी घी खाते हैं, लेकिन आप तो पीते थे। घी की नदियां देखी, तो डायमंड जुबली वालों को विशेष काम करना है। आपस में इकट्ठे हुए हो तो रूह रिहान करना, जैसे सेवा की मीटिंग करते हो वैसे इसकी मीटिंग करो। जो बाप दादा कहते हैं, चाहते हैं सेकंड में अशरीरी हो जाएं, उसका फाउंडेशन यह बेहद की वैराग्य वृत्ति है। नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे, लेकिन सेकंड में नहीं हो सकेंगे। युद्ध में ही चले जाएंगे, और जहां वैराग्य है तो ये वैराग्य है योग्य धरणी, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता। तो क्या करना है, सभी को फील हो कि बस हमको भी अभी वैराग्य वृत्ति में जाना है। अच्छा, समझा क्या करना है, सहज है या मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा आकर्षण तो होगी या नहीं, साधन अपने तरफ नहीं खींचेंगे, अभी अभ्यास चाहिए। जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहिए, वहां स्थिति को सेकंड में सेट कर सके। सेवा में आना है तो सेवा में आए, सेवा से न्यारे हो जाना है तो न्यारे हो जाएं, ऐसे नहीं सेवा हमको खींचे, सेवा के बिना रह नहीं सके। जब चाहे, जैसे चाहे, विल पावर चाहिए। विल पावर है, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, नहीं सॉरी, ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप और हो जाए क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं फुल स्टॉप, बाबा ने कहा। जो चाहे वह प्रैक्टिकल में कर सके। चाहते हैं लेकिन होना मुश्किल है, तो इसको क्या कहेंगे, विल पावर है कि पावर है। संकल्प किया, व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। मतलब जैसे ही संकल्प किया वैसे ही व्यर्थ समाप्त हो जाए। बाप दादा ने सुनाया ना कि कई बच्चे कहते हैं हम योग में बैठते हैं, लेकिन योग के बजाय युद्ध में होते हैं। योगी नहीं होते, योद्धे होते हैं, और युद्ध करने के अगर संस्कार बहुत काल रहे तो क्या बनेंगे, सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। सोचा और हुआ, सोचना और होना सेकंड का काम है, इसको कहते हैं विल पावर। विल पावर है कि प्लान बहुत अच्छे बनाते, लेकिन प्लान बनते हैं 10 और प्रैक्टिकल में होते हैं 5। एक मिनट, विल पावर है कि प्लान बहुत अच्छे बनाते, लेकिन प्लान बनते हैं 10 और प्रैक्टिकल में होते हैं 5, ऐसे तो नहीं होता। सोचते बहुत अच्छा है, यह करेंगे, यह होगा, यह होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर पड़ जाता है। तो अभी ऐसी विल पावर हो, संकल्प किया और कर्म में प्रैक्टिकल में हुआ पड़ा है, ऐसे अनुभव हो। नहीं तो देखा जाता है अमृत वेले जब बाप से रूह रिहान करते, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, यह करेंगे यह करेंगे, और जब रात होती क्या रिजल्ट होती है, बाप को खुश बहुत करते हैं, बातें इतनी मीठी मीठी करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी करते हैं, बाप भी खुश हो जाता। वाह मेरे बच्चे, कहते हैं बाबा बस आपने जो कहा ना, होना ही है, हुआ पड़ा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं।
कई तो बाप को इतना दिलासा दिलाते हैं कि बाबा हम नहीं होंगे तो कौन होगा, बाबा कल्प कल्प हम ही तो थे, खुश हो जाते। हॉल में पीछे बैठने वालों से, पीछे बैठने वाले अच्छी तरह से सुन रहे हो ना, आगे वालों से पहले पीछे वाले करेंगे। बैठे पीछे हो लेकिन सबसे समीप दिल पर हो, क्यों? दूसरे को चांस देना यह सेवा की ना, तो सेवाधारी सदा बाप के दिल पर है। कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हम भी अगर दादियां होती होती ना तो जरा सा, लेकिन सामने तो क्या दिल पर हो, और दिल भी साधारण दिल नहीं, तख्त है। तो दिल तख्त नशीन है ना, कहाँ भी बैठे हो, चाहे इस कोने में बैठे हो, चाहे नीचे बैठे हो, चाहे कैबिन में बैठे हो, लेकिन बाप के दिल पर हो। सभी डायमंड जुबली मनाने के लिए भागे हैं, तो सिर्फ दादियां डायमंड हैं या आप भी डायमंड हो? आप भी डायमंड हो ना, बाबा कह रहे हैं दादियां तो डायमंड हैं, आप बच्चे भी डायमंड हो। निमित्त शुरू वालों की मनाते हैं लेकिन पहले आप। अच्छा, डायमंड जुबली वाले हाथ उठाओ। डायमंड जुबली इन्हों की मनाते हो लेकिन आप नहीं होते तो मनाते कौन? अगर डायमंड जुबली हम नहीं होते, हम बच्चे, तो कौन मनाता? तो इसलिए बाबा हमारी भी महिमा कर रहे हैं कि हम हैं, इसलिए डायमंड जुबली मना रहे हैं। शोभा तो मनाने वालों से है, तो सभी को मनाने की खुशी है, क्योंकि समझते हैं कि इन्हों की डायमंड जुबली होना अर्थात हमारा नंबर आ ही गया। यह निस्वार्थ सेवाधारी है, इसलिए देख करके खुशी होती है, ईर्ष्या नहीं होती है कि क्यों इन्हों को इन्हों का मनाते हैं, हमारा क्यों नहीं? ऐसा हमारे मन में नहीं होता है, हमारा क्यों नहीं? क्या ऐसा सोचते हो कि इन्हों का ही क्यों मनाया जाता? सोचते हो? नहीं, बहुत खुशी है, वह आदि काल के रत्नों के त्याग का भाग्य है। जो दादियों ने 14 वर्ष तपस्या की, जो त्याग किया, बाबा उसके लिए बोल रहे हैं। तो जो किसको ईर्ष्या नहीं होती, खुशी होती है, और हम शरीक होंगे ना तो किसको ईर्ष्या भी होगी, क्यों हम भी तो हैं, हम भी तो हैं। लेकिन ये इन्हों के त्याग का भाग्य है, इसलिए किसको ईर्ष्या नहीं होती। देखो, इन्हों के त्याग ने आप सबको लाया है। अगर ये निमित्त नहीं बनते, फॉरेन में भी आदि रत्न निमित्त बने तब तो आप पैदा हुए। तो अच्छी तरह से खूब धूमधाम से मनाओ, बाप दादा भी खुश है। अच्छा, 10 वर्ष वालों का भी मनाते रहते हैं। डबल फॉरेनर्स का मनाया था ना, अभी इस ग्रुप में भी बहुत 10 वर्ष वाले होंगे। तो सभी, चाहे 10 वर्ष वाले, चाहे 10 वर्ष से भी पहले वाले, उन सभी को बाप दादा दिल से मुबारक देकर मना रहे हैं। सभी ने खूब तालियां बजाई सभा में। मनाना अर्थात सबकी दुआएं लेना, यह तालियां बजाना अर्थात आप सबको सभी की दुआएं मिली, और फर्स्ट टाइम वाले भी बहुत हैं। आप सब फर्स्ट टाइम वालों को फास्ट जाने की दुआएं, चाहे फर्स्ट टाइम वाले हैं, चाहे 10 वर्ष 20 वर्ष वाले हैं, लेकिन हर एक आत्मा इस ब्राह्मण परिवार की विशेष शोभा हो। एक रत्न भी कम होता है तो शोभा नहीं होती है। तो बाप दादा सभी बच्चों को उसी नजर से देखते हैं कि यह हर एक रत्न इस ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है। श्रृंगार हो ना, बहुत वैल्यूएबल श्रृंगार हो। इसलिए अभी तक आपके जड़ चित्रों को कितना श्रृंगार करते रहते हैं, अभी लास्ट जन्म तक भी
श्रृंगार होता रहता है। ऐसी खुशी है, भगवान का श्रृंगार बनना कम बात है क्या? बाबा पूछ रहे हैं, क्या भगवान का श्रृंगार हो तो ये कोई कम बात नहीं होती। अच्छा, जो आदि रत्न है, जिनकी डायमंड जुबली मनाई जा रही है, उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आदि रत्नों को कौन सी बात बहुत सहज है? दूसरों को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आदि रत्नों को बहुत सहज और नेचुरल है। वह कौन सी बात? उत्तर दो, वह कौन सी बात है बाबा पूछ रहे हैं? तो उसका उत्तर है, बाबा को अपना बनाना, बाबा के बन जाना, मेरा बाबा कहना। आगे पढ़ना है सभा से। थैंक यू विजयलक्ष्मी, शुक्रिया बाबा। लेकर और पूरी मुरली खत्म की, आपका दिल से शुक्रिया, थैंक यू, ओम शांति। अभी एक मिनट साइलेंस में बैठते हैं। शांति, अभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति, उसके पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। सो किसी को मुरली पढ़ना है तो ट्यूनिंग बैच में आप हमें मैसेज करें। नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स सभी के लिए एक कंप्लीट मुरली रीड करने के लिए मिलेगी। अभी क्या होता था, दो दो पार्ट होते है ना, एक पार्ट किसी को, दूसरा पार्ट किसी को हो जाते थे, लेकिन अभी ऐसे नहीं। आगे के लिए दोनों पार्ट एक ही आत्माएं पढ़ेंगे, ठीक है? सो इसलिए अभी तक हमारा पास 30 मेंबर्स का है लिस्ट। सो और किसी का भी नाम हमें पता नहीं, किसी का भी फोन नंबर हमको पता नहीं, इसलिए हमने मैसेज डाला है हमारा फोन नंबर। आप उस फोन नंबर पर मैसेज करें आपको कौन सी डेट में मुरली पढ़ना है करके, ठीक है? सो आगे के लिए और भी कम चांस मिलेगा, क्योंकि एक एक दो दो पार्ट है तो एक ही आत्माएं पढ़ेंगे। क्योंकि हमको ऐसा लगा कि सेकेंड पार्ट किसी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, सो इसलिए सो भाई जी से बात किया था, उन्होंने हाँ बोला है। सो आपका रिक्वेस्ट है आपके लिए, सो आप मैसेज करें आपको कौन सी डेट पर मुरली पढ़ना है करके, ठीक है? ओम शांति।
बोलिए मुक्ता बहन, बोलिए। ओम शांति। आज बाप दादा बोल रहे हैं कि बाप दादा तख्त नशीन बच्चों को सदा देख हर्षित होते हैं। वह मेरे तख्त नशीन बच्चे बच्चे बाप को देखकर खुश होते हैं, और बाबा बोलते हैं कि बाबा हम सबको देख के खुश होते हैं। सभी बाप दादा को देख खुश होते हैं, लेकिन बाप दादा हम बच्चों को देख के। तो हर एक बच्चा विशेष है, चाहे लास्ट नंबर भी है, फिर भी लास्ट होते भी विशेष, कोटों में कोई, पोल में भी कोई लिस्ट में है। इसलिए बाबा ज्यादा खुश है, इसलिए हम सब भी बहुत खुश हैं। थैंक यू। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का स्वास्थ्य खुशी है, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। और अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं, खुशी तो खुशी है। आज 50% खुशी है, कल 100% है, तो जीवन का स्वास्थ्य नीचे ऊपर है ना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। जैसे बाबा एक मुरली में कहते हैं कि विघ्न तो आता है, विघ्न मेहमान की तरह होता है, मेहमान आता है आपका घर का सामान तो नहीं जाता, खुशी आपकी अपनी चीज है। विघ्न आए चला जाए लेकिन आपकी खुशी नहीं जानी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा सेवा का भी आकर्षण नहीं होना चाहिए, है ना। बाबा करवाए तो करे, नहीं तो उसकी आसक्ति आकर्षण नहीं होना चाहिए। ओम शांति। बोलिए, और किसी को कुछ शेयर करना है? ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। सेवा तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है, सेवा नहीं, सेवा तो चार प्रकार की होती है, स्व सेवा, यज्ञ सेवा, विश्व सेवा। यह सेवा चारों में से कौन सी भी सेवा हम कर सकते हैं, यज्ञ सेवा, तो इस सेवा से ही हमारा भाग्य बनता है, भाग्य बनाना हमारे हाथ में है, इसीलिए यह सेवा आवश्यक है। भले आकर्षित न करे लेकिन सेवा हमारा श्वास है। ओम शांति। ओम शांति। सेवा करना यानी मेवा खाना, तंदुरुस्त रहना, सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी भी है ना। ओम शांति। और बताइए क्या बोला है बाबा ने। बाबा ने कहा दूसरों को देने में हमको खुशी होती है, कि हमको हम नहीं कर रहे, दूसरे कर रहे, दूसरों को आगे बढ़ाने में ही खुशी है। ओम शांति। बाबा आज बताएं कि वैराग्य जो है वो बेहद हम लोग का साधन से भी, साधन नहीं है तो वैराग्य है ऐसा नहीं, साधन होते हुए भी उससे वैराग्य होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति जी। दीदी, बाबा ने कहा कि सेवा हमें खींचे नहीं, यानी स्टॉप लगाना है और लग जाए क्वेश्चन मार्क, है ना, से फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं फुल स्टॉप, जो चाहे वो प्रैक्टिकल में कर सके, चाहते हैं लेकिन होना मुश्किल है, तो इसको क्या कहेंगे। बाबा कहते ये नहीं कि चाह रहे हम स्टॉप और लग जाता है क्वेश्चन मार्क, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओम शांति।
ओम शांति वसुधा बहन जी। आज बाबा ने कहा कि बेहद की वैराग्य वृत्ति में हमें सबसे बड़ा अटेंशन अपने सूक्ष्म संस्कारों से वैराग्य चाहिए, जो हमारे अंदर मतलब अभी सूक्ष्म में है और हम उन्हें भस्म नहीं कर पाए हैं, तो ये कहीं ना कहीं इमर्ज हो जाते हैं। तो इन संस्कारों से वैराग्य वृत्ति में हम आत्माओं में कमजोरी है, तो उस पर खास अटेंशन देना है। साथ में बाबा ने ये भी कहा कि जब तक जैसे हम पूर्वज आत्माएं हैं, जब तक आप में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं आएगी, तब तक अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। और जब तक वैराग्य वृत्ति ये सब में नहीं आएगी, तब तक जो हम चाहते हैं कि बाबा का परिचय सबको मिले, सब बाबा की तरफ आकर्षित हो, बाबा को पहचाने, वो नहीं हो सकता। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति हम आत्माओं में बहुत जरूरी है। सही। और बाबा ने विघ्ना ये कहा कि देहबान है, बेहद की वैराग्यवृत्ति ना होने का एक मुख्य कारण भिन्न भिन्न प्रकार का देहबान। अगर देहबान चला जाए तो कोई विघ्न नहीं। बाबा ने और स्वप्निल भाई आपने माइक अनम्यूट किया था क्या? किसने किया था माइक अनम्यूट? बोल सकते हैं, एक क्लास पॉइंट शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने कहा कि देहभान और पदार्थों के आकर्षण को अगर दूर करना है तो हमें हमेशा नॉलेज पुल बन के नॉलेज की सहायता से ये दूर करने पड़ेंगे। नॉलेज पुल फ्रेज बाबा ने बताया आज। ओम शांति। ठीक है, तो होमवर्क तो ऑलरेडी दिया हुआ है अशरीरीपन का, और वो पोल तो हमें नहीं आता है दिखाना या करना, तो अपने आप भर दीजिए। कैसे किया था हमने, पहले दिन देखा नहीं था, तो वो अशरीरीपन का पोल कैसे होता है, अपने पास रिकॉर्ड जरूर रखिए। और आज के मुरली के आधार से माना देह भान को मिटाने के लिए हम जितना अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, लेकिन कभी कभी दूसरों की कमजोरी भी हमें खींचने का प्रयत्न करती है, तो वो दूसरों की कमजोरी भी हमें ना खींचे, है ना। तो इसके लिए वो देहभान, अपने ही देहभान के ऊपर काम करना पड़ेगा। और सेवाओं से वैराग्य, साथ साथ अपने व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनना। तो ये हम कहाँ तक है बने हैं, वैराग्य हमारा खंडित हो जाता है, खंडित होने का कारण क्या, तो ये थोड़ा सा चेक करें। थैंक यू, आप सबका शुक्रिया। विजयालक्ष्मी बहन का फिर से एक बार शुक्रिया। आपको सबको गुड नाइट। ओम शांति।